हाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों जय सियाराम जय माता दी। मित्रों आज आपसे चर्चा करेंगे कि बहुला चतुर्थी। जी हाँ, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उसको बहुला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, जो इस बार 7 अगस्त को पड़ रही है चतुर्थी। और इसके विषय में अगर हम चर्चा करें, बात करें, तो बहुला चतुर्दशी व्रत की अगर हम बात करें, उत्सव की बात करें, तो बहुला चतुर्दशी या बोल चौथ के नाम से इसको जाना जाता है। सांस्कृतिक त्योहारों में से एक त्योहार भी ये माना जाता है। और जहाँ किसान समुदाय विशेष रूप से श्रावण के महीने के दौरान भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में इसको मनाया जाता है, किसान लोग भी इसको मनाते हैं। और हिंदू धर्म में गाय और बछड़े की पूजा की जाती है आज के दिन। और इसमें एक कारण और भी है, इसका जो त्यौहार है ये मुख्यतः गुजरात में अधिक मनाया जाता है, तो सभी भक्त किसी न किसी प्रकार से गाय और बछड़े की कल के दिन पूजा करते हैं, दूध या दूध से उत्पादन का उपयोग करते हैं। और भक्त भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और उनके चित्रों की भी पूजा करते हैं, जो गायों के साथ उनके सहयोग को दर्शाती है, जिन्हें सुवा शिव के नाम से जाना जाता है, सुवा भिस के नाम से जाना जाता है। और किसान समुदाय के सभी भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, गाय बछड़ों के नीचे सफाई करते हैं, उनको स्नान कराते हैं और अनेक प्रकार के तरह से उनको श्रृंगार करते हैं, उनकी सींगों को अच्छा करते हैं, गले में घंटी इत्यादि डालते हैं और इसके बाद में चावल और टीका लगाते हैं उनके मत्थे पर। इस तरह से उनकी पूजा की जाती है। तो कल अर्थात 7 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार को बहुला चतुर्थी का पावन पर्व है। इस पावन पर्व को सभी लोग मनाते हैं, आप सभी भी मनाइए। आप सभी के जीवन में सदैव मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।